हेलो फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो है LDS और LES कमांड्स। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने स्कैस्ट इंस्ट्रक्शन, लोड्स इंस्ट्रक्शन और टॉस इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं और उनकी सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। अब हमारे पास है LES और LDS। LES क्या करती है, ये दोनों काम सेम ही करती हैं लेकिन इसके अंदर ES जो है वो बताता है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट लोड करना है और DS बताता है कि हमने लोड करना है डाटा सेगमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास सेगमेंट ऑफसेट का पेयर आता है, वो जो सेगमेंट होता है हमारे पास जो भी आया होता है अगर हम लिखते हैं LES, क्या होगा, वो जो सेगमेंट आया होगा ES के अंदर वो वाला सेगमेंट लोड हो जाएगा। ठीक है, ES उस जगह पर पॉइंट करने लग जाएगा जो सेगमेंट हमारे पास सेगमेंट ऑफसेट पेयर के अंदर आया है। और LDS क्या कहता है, LDS ये कहता है कि अगर हमारे पास एक सेगमेंट ऑफसेट पेयर आया है हमने उसके स्टार्टिंग में लिख दिया है LDS, इससे होगा ये कि हमारे पास जो सेगमेंट वहां से आया था सेगमेंट ऑफसेट पेयर से हमारा जो डेटा सेगमेंट होगा उस सेगमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा। एक्चुअल में हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट की वैल्यू और डेटा सेगमेंट की वैल्यू लोड करने के लिए हम LES और LDS कमांड्स को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं वो लास्ट कोड जो सा हमने यूज किया था स्कैल्प इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, स्कैल्प इंस्ट्रक्शन के लिए हमने ये कोड लिखा था प्रिंट स्ट्रिंग का और इसके अंदर हम मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेगमेंट कैसे लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम कर रहे थे पुश डेटा सेगमेंट और पॉप ES। ठीक है, पॉप एक्स्ट्रा सेगमेंट, इससे ये हो रहा था कि हमारा डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट बिल्कुल सेम हो जाता था, जो हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट उसको पॉइंट करने लग जाता था जो हमारा पहले डेटा सेगमेंट था। लेकिन अगर यही काम हमने एक इंस्ट्रक्शन में करना हो तो हम ये कैसे करेंगे, यही काम अगर हमने एक इंस्ट्रक्शन में करना हो तो हम यूं कर सकते हैं LES और उसके आगे यही लिख दें DI, और जैसे वो पहले पॉइंट कर रहा था DI स्ट्रिंग को। अब क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो सेगमेंट ऑफसेट पेयर यहाँ से आया है BP+4 से, वो जो सेगमेंट है वो चला जाएगा एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेगमेंट उस सेगमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा जिस सेगमेंट में वो स्ट्रिंग पड़ी हुई है। ठीक है, और DI उस जगह को पॉइंट करने लग जाएगा जो इसके अंदर ऑफसेट है। ठीक है, जो हमारा जो सेगमेंट है स्ट्रिंग का वो सेगमेंट बन जाएगा एक्स्ट्रा सेगमेंट का और जो हमारा ऑफसेट है स्ट्रिंग का वो ऑफसेट की वैल्यू सेट हो जाएगी DI के अंदर। इसी तरह अगर यहाँ पर हम कर देते हैं LDS, LDS क्या करेगी, अगर हमने LDS लिखा है तो हमारे डेटा सेगमेंट की वैल्यू के अंदर वो वाला सेगमेंट आ जाएगा जिस सेगमेंट से ये जो स्ट्रिंग है बिलोंग करती है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।